फिटनेस शुरू की कि मेरे मोहल्ले में लड़के खेला करते थे, मैं उनको मुझे उनको देख के शौक आया, तो मैं फिर उनके साथ खेली बैडमिंटन और उन्होंने मुझे अपने साथ खिलाया। मैं उनसे नॉर्मल लड़कों से फिर विन करने लग गया। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाएँ और वहाँ से ट्रेनिंग लें। मैं स्पोर्ट्स को बोर्ड गया, वहाँ से ट्रेनिंग ली मैंने। फिर मैंने एक साल की ट्रेनिंग ली पूरी, उसके बाद मैंने नेशनल इवेंट्स खेले जिसमें मैं कुछ पे रनर अप आया और कुछ पे विनर हुआ। मैंने तकरीबन 8 गोल्ड मेडल लिए हैं नेशनल टूर्नामेंट्स में। पहला जो टूर्नामेंट हुआ था मेरा, उसमें पिशावर में पैरालंपिक्स का मैं रनर अप आया। उसके बाद हफ्ता बाद में 4 टूर्नामेंट्स हुए जिनमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड में 3 मैच हुए, कायदाजम ट्रॉफी, उसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए डबल्स में और सिंगल्स में। और मैंने फिर क्वालिफाई किया दुबई के लिए, फिर मैं दुबई गया, वहाँ से मैंने क्वालिफाइंग मैच के लिए आईवास गेम्स के लिए, जिसमें मैंने इंडिया को बीट किया, स्पेन को बीट किया और भी बहुत सी कंट्रीज थी जिनको बीट किया, मैंने क्वालिफाई किया। तो अब मैं फरवरी में दोबारा दुबई जा रहा हूँ टूर्नामेंट्स को खेलने के लिए। मेरे में शो किस तरह आया कि कुछ तो मेरे लोगों ने गाइड किया कि आप आगे जाएं, आपकी गेम अच्छी है। जब मैं स्पोर्ट्स बोर्ड में गया तो वहाँ पे जब प्लेयर्स खेलते थे तो मैं उनके साथ खेलता था, उनको टफ टाइम देता था। फिर मेरे में भी शौक आया कि मैं मेहनत करूँ, स्ट्रगल करूँ और ट्रेनिंग करके इनको भी बीट करूँ, इनसे भी आगे जाऊँ। तो मैं बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलता था, उनको देख के, उनकी गेम को देख के, उनकी फिटनेस को देख के मेरे अंदर बहुत शौक आता था, जिसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और मैं इंटरनेशनल गेम्स में हिस्सा लिया। मेरी जो अपनी पर्सनल ख्वाहिश ये है कि मैं अपना नाम रोशन करूं, अपने मुल्क का नाम रोशन करूं, ये इस सबसे लाली परचम का नाम रोशन करूं। और मेरी यंगस्टर्स ये दरख्वास्त है कि ना वो फजूल एक्टिविटीज़ में ना पढ़ें, स्पोर्ट्स की तरफ आएं, स्पोर्ट्स में आगे जाएं, अपना कैरियर देखें स्पोर्ट्स में और अपने आप को फिट रखें स्पोर्ट्स में।